नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं AKV टेक्निकल। तो आजकल सभी के पास हेडफोन तो ज़रूर होगा। तो हेडफोन में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ से वायर कट जाता है, जिसके कारण हम लोग आवाज़ सुनने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और किसी एक चैनल में आवाज़ नहीं आता है तो कभी किसी दोनों चैनल में आवाज़ नहीं आता है। तो बहुत तरह के हेडफोन होते हैं। देखिए, इस तरह के हमारे पास जो जो भी हेडफोन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, एक ब्लैक रंग का हेडफोन है जिसमें इसका वायर कट गया था और इसका जो ये पिन है वो ठीक था, लेकिन वायर कट गया तो हमें इसमें वायर लगा कर यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो ये ओरिजिनल हेडफोन है। ओरिजिनल हेडफोन को हम लोग ऐसे ही नहीं बिगेंगे। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इसमें हमारे पास जो ये हेडफोन है सैमसंग का, उसका ये जैक पिन ख़राब है। जैक पिन ख़राब नहीं है, इसे ख़राब नहीं बोलेंगे। इसका क्या है कि यहाँ से जो तार होता है वो कटा हुआ है। तो इसे हम लोग निकाल कर इसे ठीक करेंगे। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ से अलग कर देना है। अब क्या करेंगे, इसे सावधानी पूर्वक हाथ में नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और इसे यहाँ से इस कवर को निकालेंगे। तार भी कटना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है इसे। इस तरह से इसे यहाँ से खोल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा खुल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर को कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कट कर लेंगे। और इसमें जो वायर जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है उसे हमको याद रखना है, ताकि लगाते समय हमें सही पोजीशन पे लग सके, ठीक ना। अगर ये ना खुले तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे खोल लिया है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे निकाल लिए हैं और इसका वायर भी देखिए यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन अभी ये सारा टूट चुका है, ठीक है। लेकिन मैं इसका कनेक्शन आपको बता देता हूँ, कौन कौन सा वायर किस में जाएगा। तो यहाँ पे जो पिन आप देख रहे हैं, ए में फर्स्ट वाला जो है वो लेफ्ट है, सेकेंड राइट है, और बीच वाला जो है वो ग्राउंड है, और लास्ट फोर्थ तो जो है वो हमारा माइक है। तो सबसे पहले हम बी को चेक करेंगे, बी वाले जो फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसके बाद ए को यूज करेंगे, ठीक है। अब इस वायर को क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे ताकि यहाँ पे जो खराबी है वो कटा हुआ वायर कट जाए। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे यहाँ से छील लेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे समझेंगे कौन सा वायर इसमें, कौन सा वायर किसका है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इसका कनेक्शन को देखते हैं, दूसरी तरफ क्या है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा पिन कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो हमारा लेफ्ट के लिए है और रेड कलर हमारा राइट के लिए है, ठीक है। और इधर जब हम अपोजिट साइड पलटते हैं इसे, तो ये ब्लैक वाला देखिए हमारा माइक के लिए है। देखिए, माइक यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यानी ये माइक है। और ये जो गोल्ड कलर का है
वायर वो हमारा ग्राउंड है। तो माइक हमारा कौन सा है, ब्लैक वाला, ब्लैक माइक है। तो ब्लैक को हम लोग बीच में लगाएंगे, यानी कि इसके ये वाले पिन में, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पिन है उसका पॉइंट कहाँ पे बना हुआ है, हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं, और ग्राउंड गोल्ड जो है वो हमको इस ग्राउंड में जोड़ना है, और लेफ्ट राइट को यहाँ जोड़ना है, और एक यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए सिलिकॉन पाइप है, इसका भी ज़रूरत आपको पड़ेगा क्योंकि इसे हमें सील करना है, ठीक है। तो देखिए इतना पाइप मैंने काट लिया है, और इसके अंदर से हम इस पाइप को डालकर निकाल देंगे, यहाँ पे इस तरह से डाल के निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वायर हैं सब में रंगा को अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग होता है, वो जलना चाहिए तभी रंगा पकड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हो गया, इसी तरह से दूसरे को करेंगे। ये भी हो गया, देखिए ये भी हो गया, इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा इस तरह से। देखिए सब में सोल्डिंग करने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमें कुछ पेस्ट को हमें यहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे हमको सोल्डिंग करना है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गोल्ड वाला वायर है, सबसे पहले इससे हम लोग सोल्डिंग करेंगे इस तरह से। पोजीशन देख लीजिए, इस तरह से करना है हमें सोल्डिंग, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम सेकेंड वाले में करेंगे, जो हमारा माइक है। अब देखिए यहाँ पे बैक साइड में, यहाँ पे हम माइक वाला को सोल्ड कर देंगे। चलिए ये भी हो गया। अब इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेड या ग्रीन वायर को यहाँ पे लगाएंगे, तो हम ग्रीन वाले वायर को लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पूरा सोल्डिंग हो चुका है। देखिए इस तरह से हमारा सोल्डिंग ये हो चुका है। माइक वाला हमने पीछे किया है, और स्पीकर वाला हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से आपस में ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग ने सिलिकॉन पाइप डाला था, इसे यहाँ पे इसके अंदर में डाल देंगे, हो गया। और इसे थोड़ा सा हॉट करके, यहाँ पे अभी हम लोग हॉट करते हैं इसे, ये अपने आप इसमें चिपक जाएगा।
देखिए हमारा पिन बनकर रेडी है, फर्स्ट क्लास। तो देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा आवाज़, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। इसे इसका भी आवाज़ सुना देते हैं आपको, ठीक है।